वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीके क्लेयर्ट ब्लॉग चैनल में आप सबको स्वागत है। आ गया हूँ और एक नया वीडियो के साथ। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ये मेरा अनुरोध है। वीडियो देख के स्टार्टिंग देख के आपको शायद पता चला गया होगा, एक मुकुट बन रहा है। सर का ताज कहो और सर का मुकुट कहो, बन रहा है। तो बहुत इजी और आसानी तरीके से आज बनाने का मैं प्रयास करेंगे इस वीडियो में। जो लोग नया सीख रहे हैं क्या बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोग को आसानी हो, इसके वजह से जो इजी है वही प्रोसेस मैंने अपनाया हूँ। अगर आप ये डिज़ाइन आप घर पे उतारना चाह रहे हैं तो ध्यान से दो चार बार देख के फॉलो कीजिएगा तो आपको आसानी से आप घर पे उतर सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैंने पेरिस का डाई तक बनाएंगे। आज दूसरा स्टाइल में पेरिस का डाई बनाने का प्रयास करेंगे। आप सिर्फ एंड तक देखते रहिएगा। जिन दोस्त ने पहली बार ये वीडियो देख रहे उनका पास यही मेरा अनुरोध है, कृपया करके मेरे चैनल के अंदर आए और सब वीडियो मैंने बना के रखे हैं ऐसा तरीके का, प्लीज़ आप देखिए। आपका मतामत कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा, कहाँ से बोल रहे वो भी कहेगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो कृपया करके आप अपना चैनल समझ के सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा, ये मेरा अनुरोध है। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आए तो मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ और सीखने का कोई उम्र नहीं होता और अंत नहीं होता। इंसान जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं, चाहे वो कौन सा भी मैदान में, कौन सा भी दुनिया में और कौन सा भी कला में। इंसान जब तक जीते हैं तब तक सीखते हैं। तो मैं अभी भी सीख रहा हूँ, सीखने के लिए मैंने शर्म नहीं करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो। मैं पूछ लेते हैं, सर ये कैसे मैं बनाएंगे और आप ये काम कैसे बनाए हैं, ये पूछने से कभी कोई छोटा नहीं होता। तो मैं किसी को भी पूछ लेता हूँ ये काम कैसे बनाया, अगर कुछ बेहतरीन काम उन्हें बनाया तो। जिन दोस्त ने पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं चैनल को, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और जिन्होंने पहली बार ये चैनल में वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनका पास रिक्वेस्ट यही मेरा है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। अगर आपका ये कमेंट्स मुझे बहुत प्रेरणा देते हैं नया नया वीडियो बनाने के लिए।
अब तक आप लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिला, इसलिए मैंने नया नया वीडियो बनाने का चाहत भी बढ़ गया आपका सपोर्ट जितना बढ़ा। और भी मुझे सपोर्ट कीजिए, साथ रहिएगा सब्सक्राइब करके। मैं भी वचन दे रहा हूँ ऐसा नया नया कुछ डिजाइन मैंने आपका सामने पेश करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। अगर आपका पास कुछ बेहतरीन कुछ डिजाइन वगैरह है वो अगर इस चैनल में वीडियो के अंदर आप देखना चाहते हैं तो कृपया करके वो फोटो मुझे भेज सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा तरीका मैंने डिजाइन उतारने का कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर एक ही है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं जो जो अभी तक जिन्होंने कॉल किया सबका कॉल का मैंने रिस्पांस दिया है, ये नहीं मैंने कॉल नहीं उठाया, क्या रिसीव नहीं किया, क्या बात नहीं किया। जो भी इस चैनल का ज़रिया से जिन दोस्त ने मुझसे बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। कोई द्विधा द्वंद दिल में मत रखिए, मैं ऐसा नहीं हूँ जो बात नहीं करेंगे, हर किसी से मैंने बात करते हूँ। कृपया करके आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जो हिंदुस्तान का कौन सा भी कोने से, कौन सा जगह से, क्या दुनिया का कौन सा भी कोने से आप देख रहे हैं ये वीडियो, मुझे कहेगा कमेंट्स बॉक्स में, मुझे बहुत खुशी होगी। आप लोग के अंदर बहुत दोस्त ने इस अर्नामेंट्स का डाई के लिए मुझे कई बार फ़ोन करके बात किया, इसलिए उन दोस्त का चलते उन दोस्त के लिए मैंने पहली बार फैसला लिया जो भी डिजाइन मैंने बनाएंगे उसको मोल्ड भी बनाएंगे। इसलिए जो जो अभी तक डिजाइन बना रहा हूँ उसको भी मोल्ड बनाना शुरू किया। इतना दिन तक आप मुझे एक तरीके से मोल्ड बनाना हुआ देखा, आज देखेंगे और एक स्टाइल में मोल्ड बनाने का। पता नहीं ये डिजाइन आपको कैसा लगेगा, आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगेगा। ये मुकुट का एक पार्ट में मुकुट नहीं होता है, ये फ्रंट का साइड, पीछे का साइड भी होता है, वो भी दूसरा वीडियो में दिखाएंगे। एक मटुक का तीन पार्ट होते हैं, ये पहला फ्रंट का पार्ट है, बीच में टपोर जैसा पार्ट होते हैं, उसका पीछे क्राउन जैसा बैकग्राउंड जैसा पार्ट होते हैं। पूरा के पूरा सेट मैंने दिखाएंगे एक एक करके। आप अगर आप ये मुकुट का दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिएगा। मुकुट का टोटल पार्ट कंप्लीट होने के बाद मैंने ये मुकुट का अंदर कौन सा फेस मैच होते हैं वो फेस भी बनाएंगे। बना के ये जो मुकुट का दो तीन पार्ट वो फेस में फिटिंग करके आपको दिखाएंगे कैसा लुक आया नहीं है।
वो फेस को चेस्ट तक बनाएंगे, फूल नहीं बनाएंगे। बस ऑलमोस्ट मुझे कंप्लीट हो गया, अभी फिनिशिंग पार्ट चल रहे। पता नहीं आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपका कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। बस लाइनिंग कंप्लीट हो गया, अभी बटना का काम करेंगे। देखिए बटना एक डिज़ाइन का बहुत अच्छा लुक देता। कृपया करके आप कौन सा भी डिज़ाइन बनाएंगे, कौन सा भी एक जगह उसको बटना का प्लेस रखिएगा। ये तो खैर मोटुक है, इसमें बटना रखना ज़रूरी है स्टेप में। बस मेरा कंप्लीट हो गया, अभी इसको प्लांच बनाएंगे। ब्रास मार के, हल्का सा ब्रास मार के प्लांच बनाएंगे। प्लांच मतलब ये कहा था ना, ये डाई थोड़ा दूसरा तरीके से बनाएंगे। तो दूसरा तरीका बोलो तो चार तरफ प्लांच, ऐसा प्लांच लगा लीजिएगा। अब अगर नया डाई बना रहा है तो चार तरफ ऐसा डिजाइन को थोड़ा गैप रख के चार तरफ ऐसा प्लांच बना लीजिएगा। देखिए फॉलो करके बिल्कुल डिजाइन का सेट करके ये प्लांच मत लगाइए। अभी हल्का सा पतला पेरिस मैंने लगा लेंगे, अभी थोड़ा सा गाढ़ा पेरिस लगा लेंगे। बस पेरिस को डाल देंगे। बस आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में नया डिज़ाइन लेके। बाय बाय।